कुछ नहीं कहा है। अंजलि आनंद ने तो इनफैक्ट कमेंट लिखा है कि मेरी अर्चना के साथ बहुत अच्छी है, तो जो मतलब मीडिया को जो मसाला मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, तो ज़्यादा मसाला ना लो, तो उसका ये कमेंट है, तो अंजलि से तो नहीं है। नहीं, अभी उन्होंने बताया ना मुझको, उसका एक स्टेटमेंट आया है, मतलब सॉरी स्टेटमेंट में कहाँ पहुँच गई, उसका एक बयान आया, हाँ मतलब उसने कुछ बोला है डेजी ने कि मतलब मैंने मजाक किया था, तो अभी सब क्लियर हो चुका, डोंट वरी। देखो मैं मतलब मैं देख नहीं रही किसका गेम है क्या है, मुझे पता नहीं, मैं जब बिग बॉस में थी मैंने भी गेम नहीं किया, मैं जस्ट रही मस्ती करी जो भी किया, और मैं अभी गेम किसी का देख नहीं रही, बट हाँ जो यूट्यूब पे देखती हूँ तो मतलब अच्छा लगता है मुझे, मतलब ऐसा फुकरा अच्छा लगता है, एलविश अच्छा लगता है, मनीषा अच्छी लगती है, तो ये लोग मुझे अच्छे लगते हैं देखने में, मतलब क्या। अब ज़्यादा फॉलोवर्स वालों को लाओगे तो चैनल को भुगतना पड़ेगा ना, पहले बिग बॉस कितना अच्छा था, अपना सेलिब्रिटी आते थे, कुछ नहीं था, मस्त था, बट जब से अब भाई लाओ 10 मिलियन फॉलोवर्स को, 20 मिलियन फॉलोवर्स को लाओ, फिर भुगतो, फिर अब मैं चैनल को और क्या बोलूँ, फिर मैं तो चैनल को यही बोलूँगी ना, पहले का बिग बॉस अच्छा था तो आप ऐसी करते थे ना सिंपल, क्यों आपको प्रैक्टिकल करना, क्यों एक्सपेरिमेंट करना कि आप इतने ज़्यादा फॉलोवर्स को लाओगे 10 मिलियन, आप जब 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियन 50 मिलियन वाले फॉलोवर्स को लाओगे तो भाई उनके फैंस थोड़ी ना चुप बैठेंगे, तो वो भी बोलेंगे ना, तो सबसे अच्छा तरीका है कि अभी जो 17 की कास्टिंग हो तो वो फॉलोवर्स ना देख के, उन लोगों को देख के, एंटरटेनमेंट देख के कास्टिंग की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, वरना फिर वही जैसे पिछले सीज़न में हुआ था, किसी के फॉलोवर्स आ गए थे बिग बॉस के बाहर पेट्रोल लेके कि हम बिग बॉस का सेट जला देंगे, वैसे ही होगा ये भी फिर, कि अभी अगर किसी दूसरे को ट्रॉफी मिली, अगर इसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी तो हम बिग बॉस का सेट जला देंगे, हम नशे काट लेंगे, तो ये चीज़ें होगा, तो इस चीज़ में मुझे लगता है कि गुंडागर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि चैनल को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अभी देखो मैं क्या बोलूँ, उनको TRP मिल रही है, देखो एक तरफ से पैसा मिलेगा तो फिर एक तरफ से दुश्मनी या वो चीज़ें भी होंगी, तो अब जब इतने बड़े बड़े फॉलोवर्स वालों को लाओगे तो फिर भुगतना भी उनके फैनों को आपको ही पड़ेगा। हाँ सलमान सर सही है, मैं सलमान सर को नहीं बोल रही हूँ, मैं सलमान सर तो उल्टा समझा रहे हैं, हाँ सलमान सर ने क्या बोला, आर्मी क्या होती है, जो देखभाल करती है चीज़ें, मतलब मुझे पता नहीं पूरा बात, जो मुझे दिखा है न्यूज़ में वो बता रही हूँ कि आर्मी क्या बोल, आर्मी लोगों की सेवा करती है, देखभाल करती है, तो आप क्या बोल रहे हो कि वो आर्मी ऐसा, अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उस चीज़ पे सलमान सर बोलेंगे, मुझे भी बोलते थे, मुझे भी कितनी डांटे लगी हैं, तो अगर सलमान सर डांट रहे हैं तो उसको कोई, मुझे नहीं लगता नेगेटिव लेना चाहिए, उसको पॉजिटिव लेना चाहिए, क्योंकि सलमान खान सर की सीख एक आपको नई दिशा देती है। अभी देखो सलमान सर की डांट की वजह से मेरे अंदर कितने बदलाव आए हैं, मैंने अपने आप को काफ़ी चेंज किया है बिकॉज ऑफ सलमान सर की डांट की वजह से, तो अगर चैनल कुछ सोचता है तो वो बहुत हद तक अच्छा ही सोचता है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी और को इंटरफेयर करना चाहिए, तो मेरा बात ये है कहने की, देखो मैं फुकरा को चाहती हूँ, हाँ कि फुकरा, एलविश और मनीषा, इन तीनों में से मैं चाहती हूँ कि तीनों में से कोई एक जीते, बट हाँ मनीषा जीतेगी तो और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पहले भी बोला ब्रेक हो जाएगी चेन, लोगों के जहन में ये है ना कॉमेडी नहीं जीतता, अरे आज तक कॉमेडियन का काम है सिर्फ कॉमेडियन का, तो मैं वही बोलना चाहती हूँ कि भाई जो कॉमेडियन है ना वही आपके शो को ना ऊपर लेके जाता है, आप समझ रहे हैं ना, तो उसका भी हक उतना ही बनता है जितना दूसरे का बनता है, और एलविश को इसलिए क्योंकि कहते हैं ना वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं है, तो एलविश अगर जीता तो एक वो भी चैन ब्रेक हो जाएगी, और फुकरा इसलिए क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही लोगों के दिलों में बैठा हुआ है, और कहते हैं ना जब स्टार्टिंग से एक जर्नी चलती है तो उस चीज़ पे लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं या करते होंगे, तो अभिषेक इस वजह से, तो तीनों का जो सिचुएशन है वो अलग अलग है, तो तीनों में से कोई भी जीते, तीनों ही विनर है, बट तीनों में से कोई भी जीते मेरे को मतलब अच्छा लगेगा और हैप्पी। मुझे आपको पता है मुझे लोग फेक बोलते हैं, मतलब भगवान भी नीचे आ गया ना तो भी मुझे फेक नहीं बोलेंगे, आप समझो मैं इतनी रियल हूँ, जो भी मुँह पे बोलती हूँ, अभी भी मैंने जो भी बोला मैं डरती नहीं हूँ किसी से, आज भी देखो ये कमिश्नर सर थे उनके भी लिए बोला कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और जबकि सोचो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं मेरे लिए, बट मैंने कभी डर नहीं देखा। मुझे लोग फेक बोलते हैं कि फेक है ये है वो है, आप नॉर्मल लाइफ में भैया ऐसे तो हो नहीं कि आपने अमृत पी के आए हो या आप लड़ाई नहीं करते, नॉर्मल लाइफ में आपकी लड़ाई होती है, और जब आपकी लड़ाई होती है तो आपको भी पता कैसी होती है, तो वो एक नॉर्मल रूटीन है, आप 4.5 महीने रहोगे तो ऑफकोर्स लड़ाई होगी। मुझे बोलते हैं फेक है, मनीषा को बोलते हैं फेक है,
और पता नहीं किस किस को, हाँ शहनाज को भी बोलते थे फेक है। ओ भाई तो इनके लिए रियल कौन है फिर, मुझे एक बात बताइए। और जो इनको रियल लगते हैं ना वो सबसे ज्यादा फेक हैं, क्योंकि उनके डबल चेहरे हैं, कैमरे पे चेहरा उनका अलग है और बैक साइड में चेहरा उनका अलग है। पता है मुझे एक चीज़ है, ये जो दुनिया है ना इनका मुंह है, आप मुंह किसी का रोक नहीं सकते, वो बोलेंगे। आपको ना अपना लक्ष्य बराबर रखना है। तो मैं मनीषा अभी अंदर सुन नहीं रही होगी, बट मनीषा को मैं ना एक ही चीज़ देखना सुनना चाहती हूँ। आपकी पता बिग बॉस के बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। कहते हैं ना जब हाथी चलता है कुत्ते भोंकते हैं, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैं एक कहानी आपको बताऊँगी, वो ज़िंदगी में याद रखना। मैंने जस्ट रील पे देख रही थी, एक चीता और एक गधे की ना बहस हो जाती है। चीता कहता है कि घास हरी है, गधा कहता है घास ग्रीन है, वो कहता है नहीं हरी है, वो कहता है ग्रीन है। कह रहा दिमाग मत खराब कर। तो वो राजा के पास जाते हैं, यानी शेर के पास जाते हैं, और चीता कहता है शेर, जंगल के राजा, शेर आप बताओ घास हरी है ना? तो कहता है ये, तो गधा कहता है नहीं शेर, घास ब्लू है। तो राजा कहता है, शेर कहता है चीते तूने क्या जवाब दिया? कह रहा मैंने बोला घास हरी है। तो कहता गधे ने क्या जवाब दिया? कहता ग्रीन, वो ब्लू है। तो राजा कहता है, यानी शेर कहता है हाँ तो घास ब्लू है। तो चीता कहता है क्यों ऐसा? कह रहा भाई तेरे से बड़ा गधा कौन है कि तू गधे से बहस कर रहा है, जाओ इसको जेल में डालो। तो मैं यही बात बोलती हूँ, आप रुको मत, दुनिया भोगेगी। आपको कुछ लोग पसंद करेंगे और कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे। ज़रूरी नहीं कि पूरी दुनिया आपको पसंद करे, बट जो आपको पसंद करते हैं वो आपको दिल से पसंद करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी का इंटरफेयर पसंद होना चाहिए या नहीं, उनको उनका काम है। क्योंकि अगर लाइफ में हेटर्स नहीं रहेंगे ना, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। तो हेटर्स रहना भी बहुत ज़रूरी है, आप समझ रहे हैं ना? चाहे शाहरुख खान जी के भी हेटर्स हैं, सलमान खान जी के भी हेटर्स हैं, सबके। तो हेटर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार करने वाले तो बहुत होते हैं, हेटर्स बहुत कम होते हैं, आप समझ रहे हैं? तो भाई तुम लोग ले लो। अरे मतलब फुटेज का प्रॉब्लम, अरे चैनल हमें फुटेज देता है और हम लेते हैं आपके दम पे, तो पूरा सीजन में फुटेज लो ना आप अपनी। आप देखो सब, अभी देखो सबसे ज़्यादा प्रोमो कटते होंगे किस पे कटते हैं? मनीषा पे कटते हैं ना, बिग बॉस 16 में सबसे ज़्यादा प्रोमो मेरे पे कटे हैं। तो मैंने फुटेज ली है, मैंने उसमें अफेट डाले हैं, पर भले जाने लड़ाई करके। अगर मैं लड़ाई नहीं करती थी ना बिग बॉस में, तो दूसरे हफ्ते में ही मैं घर जाती थी, आप समझ रहे हो? क्योंकि ना मैं कलर्स फेस थी, ना मैं कोई बड़ी सेलिब्रिटी थी, ना मेरे पापा ने पैसे भरे थे, ना मेरी कोई सोर्स लगी थी, आप समझ रहे हैं? तो मैं एक नॉर्मल इंसान थी। तो अगर मैं ये सब करती नहीं तो मुझे दूसरे हफ्ते ही टाटा बाय बाय कर दिया जाता, मैं यहाँ तक टिकती नहीं और लोग मुझे इतना पसंद नहीं करते। तो वो होना भी ज़रूरी है। तो जो मनीषा कर रही है वो अच्छा कर रही है और ऐसे ही करती रहे, ठीक है? हाँ इनको जवाब देना चाहिए कि भैया कॉमेडियन कोई एम ही नहीं है, कॉमेडी करने में कितना पापड़ बिलते हैं, कितनी अफर्ट लगता है, वो हम भारती और हर्ष और कितने कॉमेडियन हैं उन लोगों को पता है, जो असली कॉमेडियन है उन लोगों को पता है कि कॉमेडी करने में कितने एफर्ट्स लगते हैं। दुनिया को रुला बहुत आसानी से दिया जाता है, बट हंसाया बहुत मुश्किल से जाता है। तो मैं बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं इस काबिल बनी हूँ कि मैं दुनिया को हंसा रही हूँ, ना कि रुला रही हूँ। थैंक यू सो मच।